मैं ज्ञान मेरा मुदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य कीप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रवर्णा वृंद नमस्ते चरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव विकृत मंद मतीर दयांगवरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत पटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु क्या किया कौन कर दिया को खाली कौन कर दिया को 5 मिनट को एटा सब कर दिया 5 मिनट को ना तो शिक्षा कौन दिला महाप्रभु कौन शिक्षा दे को कौन नहीं नहीं हाँ ठीक है कौन ना वैष्णव अपराध को लाज लाग चिंता कर ना प्रत्येक दिन मैं जहाँ कहीं थे तेरा पढ़ के आस्तु पढ़ के मैंने मन रख के आस्तु हो प्रत्येक दिन कथा रह गया तो 5 मिनट के लिए तो प्रत्येक दिन पढ़ के आस्तु 5 मिनट के लिए पंडित बड़ा पंडित अच्छे ना सिखा आगू का सब ए यस तेरा तो 5 मिनट के लिए ना तेरे प्रत्येक दिन पढ़ के आस्तु हाँ ठीक है जी प्रत्येक दिन का होता। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण किया था श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपना माँ को उपलक्ष्य करते हुए वैष्णव अपराध की उन्होंने शिक्षा प्रदान किया है। भक्ति जगत में ये वैष्णव अपराध कितने खतरा है और दूसरा शिक्षा दिया कभी सच्ची माँ की कभी अपराध हो ही नहीं सकता। क्यों कभी ये जगत जननी इसलिए कहते प्राकृत शब्द जो बोली वे आई आई प्रभावित हर दुख नहीं। ये प्राकृत शब्द में अगर कोई आई बोल देता है वो आई शब्द से ही उसका सारे दुख दूर हो जाता है और वो तो जगत जननी माँ भगवान साक्षात चैतन्य महाप्रभु की ये साक्षात माँ है इसलिए कभी इनका अपराध हो ही नहीं सकता है। केवल उन्होंने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपना माँ को द्वारा उन्होंने शिक्षा दिया
भगवान अपना मार तक कभी उन्होंने नहीं छोड़े हैं। और तीसरा सिक्ष्या क्या था, तीसरा सिक्ष्या क्या था बोलो। इसलिए कुछ कुछ लोगों का भ्रम धारणा है, कुछ ऐसे ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा संप्रदाय है, ये अद्वैत आचार्य जी को क्या मानते हैं, ये साक्षात कृष्ण और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु मानते, वो उनका भक्त है। और कुछ संप्रदाय का लोग हैं अद्वैत आचार्य जी को मानते हैं, ये कौन है अद्वैत हैं, जो दो नहीं एक ही साक्षात कृष्ण और महाप्रभु को मानते हैं, ये लक्ष्मी ये राधा है। ऐसे कुछ कुछ उल्टा पुल्टा संप्रदाय लोग हैं। इसलिए ये चीज को शिक्षा देने के लिए क्या बोले, श्री अद्वैत आचार्य चरण में अपराध मतलब है माँ की वैष्णव चरण में अपराध, इसलिए अद्वैत आचार्य गुरु ने वैष्णव, क्योंकि अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब वृद्ध चारे जय छ नाता ऐसे तैसे कर नृत्य। इसलिए जगत में केवल जी ईश्वर जगन्नाथ है, इनको छोड़कर जगत में कोई ईश्वर नहीं। अब जगत में जितने हैं सबके सब उनकी भृत्य है, सबके सब उनकी सेवक, साक्षात बलदेव प्रभु भी सेवक सेवकाई करते हैं। राधा रानी स्वयं कृष्ण की अभिन्न होते हुए भी कृष्ण की राधा रानी स्वयं सेवा करती है। इसलिए ये सब चीजों को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने अपना माँ को उपलक्ष्य करते हुए शिक्षा दिया है। आज हम लोग श्रवण करेंगे, बोले प्रतिदिन निसभागे करे कीर्तन, भक्त बिनो थाकी देना पारे अन्य जन। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्रीवास अंगन में क्या करते थे, रात को सारे भक्तों को लेकर के हरि कीर्तन करते थे। इसलिए कहते ना श्री हरि वा सारे हरि कीर्तन विधान, नृत आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण, श्रीवास पंडित लैया एक संप्रदाय, मुकुंद लैया जनकत गाय। इसलिए श्रीवास अंगन में महाप्रभु रात भर हरि कीर्तन करते थे, लेकिन वो अंदर में कहते भक्त बिनु थाकी दे ना पारे अन्य जन, लेकिन अंदर में कौन रह सकते हैं, केवल भक्तों को छोड़ करके अंदर में और कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। कहते कारण है, अगर अभक्त अगर कोई अंदर में आए ना, भक्त लोग तो प्रेम में कोई गिरते हैं, कोई छलांग लगाते, कोई बेहोश हो जाते हैं, जैसे देवानंद पंडित है, इतने बड़े विद्वान होकर के भी श्रीवास पंडित को समझ नहीं सके और उनका शिष्य लोग उनको निकाल दिया, बोले कहाँ से उनके उत्पात आ गया है। इसलिए इस कहते श्री सुखदेव गोस्वामी जी समय कृष्ण प्रेम में है द्वष्ट वर्षम, 16 साल के नंगे धड़के कपड़े नहीं, कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के कभी नाचते हुए कभी कीर्तन करते हुए कभी रोते हुए जब चल रहे थे, उनको बच्चे लोग क्या कर रहे थे, झूल झूक रहे थे, तो भले ये क्या पागल है, स्त्रियां तो उनके रूप देख देख कर क्या सुंदर है, ये काम देव जैसे, लेकिन तो ये पागल हो गया, लेकिन उनको समझ नहीं पाए उनको हैं। इसलिए इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं प्रभु ऐसे कब दिन आएगा जो तुम्हारी भजन करते करते हम पागल हो जाए, क्या हो जाए, हम सब के सब पागल होने के लिए भजन कर रहे हैं। इसलिए जब तक पागल नहीं होगा ना, इसलिए कहते जगत में दो तरह के पागल है, कितने तरह के, कौन कौन पागल है बोलो, दो तरह का पागल, कहते एक में तो है, एक व्यक्ति तो कृष्ण प्रेम में पागल है ही, कुछ भक्त लोग, और कुछ वो पागल बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो पागल बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग पागल है ही है, जो जिनको कृष्ण मिल गया है वो तो कृष्ण प्रेम में पागल है, अभी जिनको कृष्ण मिले ही नहीं वो पागल होने के लिए भजन कर रहे हैं, हम कैसे पागल बने। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमारे विषय पागल बोलिया कहते दिवे कधुली, हे ठाकुर जी कब ऐसे दिन आए जब तुम्हारे नाम को लेकर गई है कृष्ण प्रेम में, कभी नाचूंगा कभी गाऊंगा कभी लोट पोट उठाऊंगा, लोग हमें पागल समझ करके ऊपर में धूल छोंके है। इसलिए हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं, पागल बनने के लिए सबके सब भक्ति कर रहे हैं। इसलिए बोले कोई धन दौलत के पागल है,
भाई पागल है बेटा नारी के है, लेकिन ये जगत में जितने सब पागल है ना, कभी सबके सब झूठे पागल है, लेकिन सच्चा पागल कौन है? जो पागल है श्री बांके बिहारी के, कहते वही असली पागल है जो कृष्ण प्रेम में पागल है, वही असली पागल है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु अंदर में घुसने नहीं देते, कारण क्या? बोले कारण है उनके भाव को सभी समझ नहीं सकते। अगर कोई समझ नहीं सकता है ना, इसलिए महाप्रभु उसका अंदर में प्रेम तो प्रकट होता था महाप्रभु के अंदर में, लेकिन महाप्रभु जब देखते थे भक्तों के सामने तो प्रेम प्रकट करते थे, लेकिन जब वो देखते थे कोई ये प्रेम को समझ नहीं सकता आए ना, महाप्रभु छठ प्रेम को दबा देते थे, महाप्रभु प्रेम को बंद कर देते थे, प्रेम उनको सामने प्रकाश नहीं करते थे। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, जब लोग रहेंगे ना खूब कृष्ण नाम को लेकर के खूब कृष्ण कथा बोलकर खूब रोएगी, एक ही आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन जब लोग नहीं रहेंगे ना उनका आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं आएगा है। इसलिए बंगाल में ऐसे कुछ कीर्तन है कृष्ण बस गिर गए, गिर जाते कृष्ण बोल करके बस, हर लोग आगे चरणों से बोले बाबा रे कितने बड़े भक्त है, फिर पीछे जाकर ना बीड़ी फूंकना शुरू कर देते हैं, बीड़ी फूंकना फिर मछली खाना है, मछली खाना बीड़ी फूंकना शुरू कर देते। इसलिए कहते ये दो आना दो अनार भाव है, इसलिए कहते कहते संबित पाया कांति व गोपन स्मरी दो कृपाल। यहाँ भक्ति मुन्ना ठाकुर कहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए हम नहीं रहेंगे है, इसलिए कांति व गोपने गुप्त रूप में एकांत में बैठ करके कृष्ण नाम को ले लेकर के रोनी चाहिए, बल्कि सबको दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अगर बहिर्मुख व्यक्ति आए उस समय भाव को गुप्त कर देनी चाहिए, भाव को हमें छुपा देनी चाहिए भाव को। इसलिए महाप्रभु जब कीर्तन करते थे बहिर्मुख व्यक्ति को अंदर में घुसने नहीं देते थे है? नहीं देते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ है, इसलिए एक बार क्या हुआ, जो दूसरे दूसरे जो लोग होते ना, कुछ ऐसे बहिर्मुख लोग महाप्रभु कीर्तन का समय में दरवाजा बंद कर देते थे, कुछ ऐसे बहिर्मुख लोग ऐसे लोग थे जो कि उल्टा पुल्टा बोलते थे हैं, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा करते हैं, हमें घुसने नहीं देते हैं हैं, उल्टा पुल्टा महाप्रभु के नाम पर भक्तों के नाम पर उल्टा पुल्टा बोलते थे, पता नहीं रात को कोई कन्या को पंच कन्या को बुलाते हैं अंदर में भोग करते हैं इसलिए अंदर में घुसने नहीं देते हैं, ऐसे उल्टा पुल्टा बात करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बोले एक ब्रह्मचारी से ही नवद्वीप बैसे तपस्वी परम साधु बसे निर्दोष। उसी समय में नवद्वीप में कहते एक ब्रह्मचारी नवद्वीप में रहते थे, कहते बड़े तपस्वी हैं और बड़े परम साधु हैं, वहां पर बैठते हैं और प्राय महाप्रभु का कीर्तन। एक दिन उन्होंने श्री श्रीवास पंडित को उन्होंने प्रार्थना किया, बोले क्या प्रार्थना किया, बोले एक बार मेरे को महाप्रभु जो कीर्तन करते हैं एक बार हमें कीर्तन दर्शन करा सकते हैं, मैं भी महाप्रभु का कीर्तन दर्शन करना चाहता हूँ। श्रीवास पंडित ने देखा ये गुणी व्यक्ति है, ये इसके अंदर में गुणी, बोले क्या गुण है, कहते जो ये जो व्यक्ति हैं ये फलाहारी करते हैं, अन्न नहीं खाते, दूधहारी फलाहारी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तपस्वी साधु स्वभाव के अंदर में इनके सारे गुण विद्यमान, इस सब गुण को देख करके हाँ इस सब गुण को सदाचारों को देख करके बोले ठीक है मैं कोशिश करूंगा। श्रीवास पंडित को जो बोले श्रीवास पंडित इनकी निरहंकारी सर्व गुण संपन्न देख करके बोले देखो अंदर में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते हो, तुम दूर से रह करके महाप्रभु का कीर्तन दर्शन करना। तो उन्होंने दूर से बैठ करके जैसे शंकर जी ने रासल दर्शन किया ना, ऐसे उन्होंने दूर से बैठ करके उन्होंने महाप्रभु का सच जो कीर्तन देखा, कैसे महाप्रभु भक्तों के साथ में मृदंग करताल लेकर के कैसे कीर्तन कर रहे हैं, और महाप्रभु का शरीर में क्या है, उनका शरीर में अश्रु कंप हाँ कहते उनका अंदर हुंकार दीप विकार, इनके अंदर में सारे प्रेम का अष्ट सात्विक जो भाव है स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण बेपत हुए जितने सब प्रेम के अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु का शरीर में ये सब के सब प्रकाश हो रहा था। महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे,
उनको देख करके जितने प्रसन्न है, जितने प्रसन्न हुए, बोले हमने कभी ऐसे नृत्य कीर्तन देखा नहीं। लेकिन महाप्रभु तो सर्वांतर जी सब जानते हैं। महाप्रभु बोले आज हमें ये कीर्तन में कहीं आनंद नहीं मिल रहा है, लगता है कोई पाखंडी अंदर में प्रवेश किया है, कोई पाखंडी अंदर में प्रवेश कर गया। हमें ये आनंद क्यों नहीं आ रहे, अंदर से उत्फुल्ल उल्लास क्यों नहीं आ रहे। इतने में बोलो सचमुच से यहाँ पर कोई बहिर्मुख व्यक्ति तो है नहीं। इतने में श्रीवास पंत ने सारी बात बता दिया। बोले प्रभु एक ब्रह्मचारी फलाहारी पैवाहारी दूध पीने वाले हैं, इसलिए सर्वगुण संपन्न तपस्वी साधु स्वभाव के निर्दोष है ऐसे एक व्यक्ति मेरे को प्रार्थना किया था, मैंने इनका आदेश दिया। महाप्रभु को तो बड़ा क्रोध आया। महाप्रभु बड़े क्रोधित होकर बोले इसको निकालो यहाँ से, इसको यहाँ से निकाल, यहाँ से हैं, इसलिए उनको निकाल, यहाँ पर कैसे प्रवेश कर गया। अभी श्रीवास पंडित ने क्या किया, उसको वहां से निकाल दिया। लेकिन जब वहां से निकाल दिया, निकाल देने पर महाप्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु यहाँ क्या कर रहे हैं, बोले प्रभु क्रोधित होकर कह रहे हैं, बोले दूध पीने से क्या मेरे को प्राप्त होता है, दूध पीने से क्या भगवत प्राप्ति होता है, क्या फलाहार से भगवत प्राप्ति होता है। इसलिए मीरा की एक पद है, दूध पीने से प्रभु मिले तो बछड़ों को तो भगवान मिल जाते हैं, बछड़े क्या पीते हैं, दूध पीते हैं, हैं? इसलिए अगर कोई व्यक्ति फल खाने से भगवान मिलते, से बंदर या वृंदावन बंदर को फल ही तो खाते हैं, पेड़ से फल तो तब उनको तो भगवान मिल जाते हैं। बोले अगर गंगा में नहाने पर अगर भगवान मिले तो कछुआ मछली को तो भगवान पहले मिल जाते हैं। कछुआ मछली तो तीन बार गंगा जल पानी में है, गंगा जल में डूबे रहते हैं, तो इनको तो भगवान पहले मिल जाते। इसलिए कहते भैया बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला, इसलिए ये सब चीज से भगवान नहीं मिलते। इसलिए वैष्णवों का 26 गुण बताए, कितना गुण बताए, क्या क्या है बोलो, कृपालु अकृत द्रोह सत्य साध समा निर्दोष बदान्य वृद्धु सुचि अकिचन सर्वोपकारक शांत कृष्ण शरण मितभू अप्रमद मानी मान। कहती है वैष्णव का 26 गुण बताया है। 26 गुण में उसकी अंदर में जो एक गुण है ना, कहते एक गुण उसकी स्वरूप लक्षण है और उनका 25 गुण उनका तटस्थ लक्षण। एक गुण उनकी स्वरूप लक्षण और 25 गुण का तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है, जो मूल लक्षण है, कहते कृष्ण का शरण है, ये इनकी स्वरूप लक्षण। और जो 25 लक्षण है ये उनकी तटस्थ बाहर लक्षण है, हैं? अगर किसको अंदर में ये 25 गुण पूरा के पूरा है, 25 गुण पूरा के पूरा है, लेकिन अगर एक गुण नहीं है ना, अगर उसके अंदर में एक गुण नहीं है, फिर तो ये गुण का कोई महत्व नहीं। जगत में बहुत लोग मिलेंगे, बड़े दयाल मिलेंगे, किसको द्रोह नहीं करते हुए मिलेंगे, बड़े सुची, जैसे ये ब्राह्मण बड़े सुची परोपकारी मिलेंगे, बड़े दीनहीन स्वभाव का मिलेंगे, हैं, दीनहीन स्वभाव का मिलेंगे। लेकिन कहते अगर एक गुण अगर नहीं है ना, ये सब गुण बेकार। कौन सा गुण है, कहते ये कृष्ण एक शरण, जो एक निष्ठ होकर के केवल कृष्ण को जो भगवान की भक्ति करते हैं, सारे देवादेवियों को छोड़ करके एक निष्ठ होकर के जो मनमना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुर, एक निष्ठ होकर जो कृष्ण भजन करता है, अगर किसको अंदर में केवल एक गुण आ जाए ना, ये 25 गुण अपने आप आ जाएगा। अगर किसको अंदर एक गुण आ जाए, कोई गुण उसके अंदर में है नहीं, एक गुण है बस, केवल भगवान को ही अपना सब कुछ जानता है, दिन रात उनको भक्ति भजन सब कुछ उनको भक्ति करते हैं, कहते ये जो 25 गुण अपने आप आ जाएंगे। बताओ तो कौन सा श्लोक है जो जिसके अंदर में एक गुण रहेगा ना, उसके अंदर में और सब गुण आ जाएंगे। तुम लोग सब याद किए, बहुत सारे श्लोक है, बताओ उस श्लोक में कौन सा श्लोक है, कौन बोलेगा, बोलो, हाँ बोलो, हाँ इसमें क्या, इसमें क्या, हाँ श्लोक को याद है ना, ये श्लोक है नहीं, तो नहीं है, इसलिए ये श्लोक है। जस्यास्ते भगवत भक्तिर अकिंचनात् सर्व गुणैस्तत्र समासत सुरा,
बोले जस्यास्ते भगवत भक्ति अकिंचना, जिसको अंदर में भगवान की भक्ति अकिंचना भक्ति जिसके अंदर में हो, सर्व गुणैस्तत्र समासत सुरा है, कहते सारे देवताओं को साथ में, सारे देवताओं को साथ में उसका अंदर में ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। बोले हराब अभक्त से कुत महत्व गुणात्, जिनकी भगवान के चरण में भक्ति नहीं उनके अंदर में ये महत्व गुण कहाँ से आ सकता है, कहाँ से आ सकती है। इसलिए एक गुण कोशिश करनी चाहिए, क्या है, भगवान के चरण में हमारी एकांत की भक्ति हो है। अगर भक्ति नहीं, तुम्हारे अंदर में सारे गुण है लेकिन भक्ति नहीं, सब बेकार है। बोलो कौन सा श्लोक, इसलिए कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या क्या पर पहला क्या, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तप अप्राण शैव देह समंडनम लोक रहते हैं। हमारे अंदर में है सारे गुण है लेकिन भगवान के चरण में हमारी भक्ति नहीं। तो उनने क्या उदाहरण दिया, जैसे एक प्राणहीन शरीर, उसको बड़ी सुंदर सोने चांदी हीरे जवाहरातों से उसको शरीर को सजा दो लेकिन शरीर में प्राण ही नहीं, तब बताओ कोई लाभ है, जब ये मर गया शरीर छूट गया तो उसको शरीर में श्रृंगार करने का क्या लाभ, बेकार उसको अंदर में है। इसलिए कहते हैं अगर कुछ भी नहीं, अगर भगवान की भक्ति है सब गुण आ जाएगा, अगर भगवत भक्ति नहीं सारे गुण है कहते उसको सारे बेकार, सबके सब उसकी गुण बेकार है। इसलिए क्या करनी चाहिए, हमारे अंदर में एक गुण लाओ, क्या, कृष्ण का शरण। इसलिए इनके अंदर में सारे तपस्वी साधु निर्दोष फलाहारी और शाका फलाहारी दूधहारी सब कुछ गुण है लेकिन भक्ति नहीं, मैंने कहना था महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोले निकाल दो यहाँ से उसको, उसको यहाँ से निकाल दो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं क्या, दूध पीने से मेरे को कोई प्राप्त कर लेता है, कोई फल खाने से मेरे कोई प्राप्त करता है। तो महाप्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले चंडालो महार शरण जदिलाय सही मोर मुई तार जानिया निश्चय। अगर एक व्यक्ति चंडाल है जैसे हमारे उड़ीसा में दासिया बावरी, बावरी किसको कहते हैं, चंडालो कहते हैं, दासिया बावरी है और साल बेग मुसलमान है। और कौन कौन सा भक्त है उड़ीसा में, बोलो बोलो, और कोई और बहुत सारे भक्त है, हाँ बंधु महांति तो महांति, और कौन है, और कोई एक, और एक छोटे जाति कोई भक्त है, बोलो क्या तुम लोग। इसलिए क्या, हाँ सदन कसाई है, सदन कसाई। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर चंडाल हो, चंडाल किसको कहते हैं, कहते जो कुत्ते के मांस को जो खाने वाले, जो कुत्ते का मांस जगत में कोई नहीं खाते ही लेकिन कुत्ते के मांस को खाने वाले ऐसे व्यक्ति अगर मेरे शरण ग्रहण करता है, बोले सही मोर मुई तार को मेरा है, मैं उसका हूँ जानी और निश्चय, महाप्रभु निश्चित रूप में ये समझो मैं उसका, वो मेरा है। लेकिन सन्यासी मोर जदि नालय शरण, अगर कोई सन्यासी है लेकिन वो मेरा शरण ग्रहण नहीं करता है, बोले सही मोर नहि सत्य बलिन वचन, उससे मेरे कोई संबंध नहीं, वो मेरे साथ में कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए बोले की बाजती सती, बोलो की बा नीच जाती जय हरि नाहि बाजे, की बाजती सती की बा नीच जाती जय नाहि बाजे, तब जाना मिया भ्रमिया भ्रमिया, तब जाना मिया भ्रमिया भ्रमिया, रौरव नारक माजे, रौरव नारक माजे। श्री लक्ष्मणदास ठाकुर क्या कह रहे, कि बा जति, जति मतलब सन्यासी है, चारि वर्ण में सर्वश्रेष्ठ आश्रम सन्यासी, सती भले ही वो सती क्यों नहीं हो, हैं वो सती क्यों नहीं हो, जय हरि नाहीं बजे, अगर हरि भजन नहीं करता है
तब जन्मिया भ्रमिया भ्रमिया रो रहा नरक में थे। वो भ्रमण करते करते वो नरक में गति होता है। जैसे दुर्वासा जैसे देखो कितने बड़े सन्यासी हैं, कितने बड़े ऐसे बहुत बड़े बड़े जिनका नाम आता है, लेकिन भक्ति नहीं होने का नाते अम्बरीश महाराज के पास पता नहीं कहाँ कहाँ घूम गए हैं। इसलिए कहते सती, अगर भले ही सती हो जगत का, इसलिए पांच कन्या का नाम आता है ना, बताओ तो कौन कौन पांच कन्या है, कौन बोलेगा? बोलो पांच कन्या किसका किसका नाम आता है? जोर को, कुंती, मंदोदरी, तारा, अहल्या, द्रौपदी हैं। कहते हैं पांच कन्या, लेकिन इनका इनको पांच कन्या कहते हैं। पांच कन्या जिनका शादी नहीं हुआ, कन्या शादी नहीं होता है ना, इनको देखो द्रौपदी का कितना पति थे? पांच। अहल्या उनका भी इंद्र ने उनके प्रति गलत काम किया था। उसके बाद में कुंती की कहते उनका पहले तो पांडु हैं, उसके बाद में फिर उन्होंने सूर्य को स्मरण किया तो कर्ण हुए, और इंद्र से अर्जुन हुए, धर्म महाराज से धर्मराज हुए, और अश्विन कुमार से नकुल सहदेव हुए, हैं सात जन। उसके बाद में तारा 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 की कौन थे? कहते इनके अंदर में सुग्रीवी और बाली, और मंदोदरी पहले रावण था, उसके बाद विभीषण की पत्नी बनी है पत्नी। इसलिए कहते हैं पांचों को कन्या कहते हैं। पांच कन्या इनका स्मरण करने से सबरे कहते सारे पाप दूर हो जाएंगे। बोले कारण क्या? बोले कारण है जितने भी ये लोग ऊपर ऊपर से दिखाई पड़ता है, किसको पांच, किसका सात, किसका दो, किसका तीन है, लेकिन केवल ऊपर से दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर में किसको पति मानते थे? कृष्ण को, भगवान को है। अंदर में ये सब के सब भगवान को भक्ति मान पति मान असली पति भगवान को मानते थे। इसलिए ये लोग सही सती हैं, लेकिन भले ही इस जगत में सती हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है। सती सावित्री नाम आता है ना, सती सावित्री ये नाम आती है, लेकिन भक्ति जगत में इन लोगों का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं, बोले देखो भले ही हैं, भले ही वो व्यक्ति संन्यास क्यों नहीं हो, अगर मेरे शरण नहीं लेता है, सही मोर नहीं सत्य पहलु बचन, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। तब यहाँ पर उदाहरण देते हैं, बोले गजेंद्र हाथी हैं, जानवर एक पशु है, लेकिन जिस समय उसको मगरमच्छी पकड़ करके खींचते हुए ले जा रहा था, जब तक तो गला तक था तो उस समय ठीक था, लेकिन जब नाक डूबना शुरू हुआ ना, इतने में केवल एक कमल फूल लेकर के भगवान को बुलाया, हे ठाकुर जी आप ही केवल मेरे रक्षा करने वाले हैं। कहते जीवन में भगवान को दो बार जलती मची, एक तो हाथी की उद्धार करते समय और एक द्रौपदी को उद्धार करते समय, भगवान को जीवन में दो बार जलती, केवल ना रा बोले हाथी उसी समय में हैं। इसे चक्र पैसी नकर नासी रखिला अपन आहे नेला सैला प्रबल मत बार है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गजेंद्र, उसके बाद में उदाहरण थे बांदर, हनुमान जी क्या कहते हैं? मैं ऐसे एक जात में जन्म लिया हूँ, अगर सवेरे उठ कर कोई बंदर को नाम ले लेना, पूरा दिन भर उसको भूखे रहना पड़ेगा, दिन भर उसको भूखे खाना नहीं मिलेगा, लेकिन केवल मैं प्रभु राम की शरण में आने का नाते देखो जगत पूजा जगत देखना, हमारे भारत में जितने हनुमान की पूजा होता ना उससे ज्यादा, जितना जितना राम की पूजा होती है उससे ज्यादा हनुमान की पूजा। मैं मरीशस गया था, एक हिंदू को कैसे पहचानोगे ये हिंदू है, कैसे पहचानोगे? जिसको घर में हनुमान जी, घर को सामने, सभी घर को सामने हनुमान जी, ये इसको देखने में हनुमान जी की झंडा खड़ा होगा, राम का कोई तस्वीर नहीं, हनुमान जी घर घर में हनुमान जी मिलते, घर को सामने हनुमान जी खड़े। मैंने हॉलैंड गया था, नेदरलैंड गया था, वहां पर भी देखा जो लोग आए हैं सूरीनाम से, जो बिहार के लोग, घर को सामने हनुमान जी, हिंदू का परिचय हनुमान जी, बाहर खड़े हनुमान जी खड़े हुए। हमारे भारत में भी देखो गली गलियों में हैं, रोड रोड में जहां देखो हनुमान हनुमान हनुमान, जितना राम की पूजा होता है उससे ज्यादा हनुमान की पूजा होती है। बोले कारण क्या है? बोले कारण यही है, केवल भगवान की शरण में
आने का नाते, भक्ति करने का नाते। तीसरा उदाहरण देते हैं गोपी हैं, कभी गोपियों ने, इसलिए हमारे उड़ीसा में कहते ना गौड़ अधर्म जाति घरे ना रहती गौड़ बड़ा अधर्म जाति बन बन बुलंती। उड़ीसा में कहते जो जो ग्वाला है क्या कहते बड़े अधर्म जाति जीवन बाहर बाहर घूमते रहते। लेकिन ये गोपी गोपियों के घर में गोपियों ने जन्म ग्रहण किया, लेकिन इतने बड़े भक्त है, इतने बड़े भक्त उद्धव जैसे व्यक्ति जिनकी चरण की धूल लता और उद्धवा बनना चाहते, जिनकी चरण की धूल बनना चाहते उद्धव जैसे व्यक्ति, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनकी भाव पाने के लिए तपस्या करते हैं, भोले बाबा स्वयं गोपियों की रूप धारण करते हैं, श्री शंकर जी क्या करते हैं उन्होंने गोपियों का रूप शंकर जी धारण कर लेते हैं, लेकिन तब भी प्रवेश अधिकार नहीं। और लक्ष्मी स्वयं तपस्या कर रही हैं ये गोपियों की भाव को पाने के लिए, लक्ष्मी भी तपस्या करती हैं, हैं? इनके बाद छोड़ दो, कृष्ण स्वयं कहते जत की करिसु बहुस खलुकाक वाणी नित्यम परसस पुरुषस शिखंड मौले। अगर राधारानी कभी अगर मान करके कुंज में बैठ जाती है, कृष्ण जाकर गोपियों के चरण में गिरते है, मेरे को थोड़ी सी कृपा करो श्री राधा रानी से हमें मिला, कृष्ण भी जिनकी चरण में जाकर के प्रार्थना करते हैं, ऐसे कति गोपियां हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे बल देखी तारा मोर के मत पाइल, महाप्रभु कह रहे हैं इतने छोटे जाति के लोग, बताओ इन लोगों ने मेरे को कैसे प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, केवल भक्ति। इसलिए कृष्ण उद्धव का प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले न रोधयति माम जोग, बोलो एक श्लोक है न साधय तमाम जो न सांख्य धर्म उद्धव न साधय तपस त्याग जता भक्ति मम अर्जिता, कहते ये एक श्लोक है। यहाँ पर और एक श्लोक यहाँ कह रहे हैं, बोलते न रोधय तमाम जोग न सांख्य धर्म च न स्वाधाय तप त्याग निष्ठा पूर्त न दक्षिणा। इसलिए कृष्ण कहते हैं उद्धव न रोधयति माम जोग, कोई जोग को द्वारा मेरे को कोई वशीभूत नहीं कर सकते हैं, सांख्य को द्वारा नहीं कर सकते हैं, स्वाध्याय को द्वारा नहीं कर सकते हैं, तपस त्याग निष्ठा को द्वारा नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, केवल भक्ति को, केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई, केवल भक्ति को द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। और कहते बोले ब्रतानी यज्ञ चंदासी तीर्थानी नियम जमा जथा वरुंध सत्संग सर्वसंग पहोहिमा। जो कहते सत्संग द्वारा जैसे मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, मेरे को वशीभूत कर सकते हैं, व्रत यज्ञ तीर्थ नियम जम द्वारा मेरे को वशीभूत नहीं कर सकते हैं। कहते अभी तक जिन जिनियों ने मेरे को प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, केवल साधु सत्, इसलिए सत्संग नहीं दैत्या। दैत्य लोगों ने जैसे ध्रुव प्रहलाद महाराज उन्हें दैत्य कुल में जन्म हुए, लेकिन उन्होंने कैसे प्राप्त किया, नारद जी की कृपा से है? जब मातृगर्भ में थे तब नारद जी उनको माँ को उपलक्ष्य करते हुए कथा सुनाए और वो गर्भ में बैठ बैठ कर कथा सुन सुन करके भक्त बन गए, भक्त बन गए। इसलिए कथ मृगा खगा कथ मृग और चिड़िया है वैश्या शूद्र स्त्रियो है कहते जिन जिन्हों ने अभी तक मेरे को प्राप्त किया है, कहते सुग्रीव हनुमान आख्या है, इसलिए इन लोगों ने जिन जिन्हों ने प्याद कुब्जा ब्रजे गोप्या यज्ञ पत्निया यज्ञ पत्नी कहते इन जिन जिन्हों ने अभी तक मेरे को प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया, केवल साधु संघ द्वारा ही मुझे प्राप्त किया और किसी को द्वारा मेरे को प्राप्त नहीं किया। इसलिए श्री पद्यावली से रूप गोस्वामी ने रूप गोस्वामी का पद्यावल से ये इस श्लोकों को उद्धृत कर रहे, हो सके तो तुम लोग ने इस श्लोक को याद कर लेना है, बहुत अच्छा श्लोक है। कहीं अगर भक्ति की महिमा अगर कहीं बोलना चाहते हो केवल यही श्लोकों को याद कर लो, बहुत बहुत उदाहरण दिया। क्या कौन सा श्लोक बोलो, व्यथस्य आचरणम ध्रुवस्य च भयं विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जया किम नाम रूप अधिकम कीतत सुधाम ना धनम वंश को विदुरस्य जातव पते रुग्रस्यम की पौरसम भक्त्या तुष्यन्ति केवलम
नच गुण भक्ति प्रिय माधव। किसको याद है? याद है किसको? हुआ था पूरा। इसलिए केवल एक श्लोक याद कर लो, बहुत अच्छी श्लोक है। कहीं अगर भक्ति की महिमा बताना चाहते हो, भक्ति की क्या महिमा है, भक्ति को द्वारा कौन कौन भगवत प्राप्त किया, ये श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है, है? ये बहुत बढ़िया श्लोक श्री रूप गोस्वामी की। अगर जिस रूप गोस्वामी का महिमा बताना चाहते हो, ये पद्यावली का श्लोक, पद्यावली ग्रंथ पढ़े हो, पद्यावली से कुछ कुछ श्लोकों को भी वहां से याद कर लेना। बहुत अच्छी अच्छी रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छी अच्छी श्लोक वहां पर उन्होंने बताए, अच्छी प्यारी प्यारी श्लोक है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, है, अगर कोई बोले अरे बहुत सुंदर जब आचरण होगा तब मिलेंगे, बोले भैया व्याध का कौन सा आचरण था, बोले कम उम्र में थोड़ी भजन होता है, जब उम्र हो जाएगा, कोई बोलता ना इस उम्र में क्या गला में कंटी चिता चैतन्य क्या लगा दिया है, अरे इस समय में पढ़ाई पढ़ाई करो, इसको क्या सब बाबा को चक्कर में पड़ गए हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं अरे कोई बोले है वयस ज्यादा होने पर भजन होता है, बोले ध्रुव जी का कौन सा वयस था, कोई अगर बोले अरे लिखाई पढ़ाई बढ़िया हो तभी तो भगवान मिलेंगे, इतना कम लिखाई पढ़ाई में भजन कैसे करेंगे, तो वहां पर कहते बोले भाई हाथी का कौन सा लिखाई पढ़ाई था। अगर कोई बोले भैया जब सुंदर रूप होना तब तो भगवान कृपा करेंगे, हैं बोले भैया कुब्जा का कौन सा सुंदर रूप था, कहते मेरे जिसको पास में ज्यादा पैसा हो तो भगवान मिलेंगे, बोले सुदामा के पास में कौन सा पैसा था, हैं। इसलिए कोई बोले उच्चा बंसर में अगर कोई जन्म हो भगवान मिलते हैं, बोले भैया विदुर के पास में कौन सा पैसा पैसा उसको पास बंस था। अगर कोई बोले जब तुम्हारे पास में कोई पौरुषत्व नहीं हो ताकत नहीं हो भगवान थोड़ी मिलेंगे, बोले उग्र सभा का है कहते उग्रसेन का कौन सा पौरुष था। इसलिए भक्त्या तु संत केवलम नच गुणाई भक्ति प्रिय माधव, भगवान केवल भक्ति को द्वारा प्रसन्न होते हैं और किसी को द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए भगवान को केवल भक्ति से ही भगवान को प्रसन्नता करनी चाहिए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ पर बहुत इसको बाद में क्या हुआ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु उसको निकाल दिया, जब उनको निकाल दिया तो निकाल इसको दूध पीने से मेरे कोई प्राप्त कर सकता है, फल खाने से निकालो, ये मेरे कीर्तन दर्शन करने का अधिकार नहीं। लेकिन जब उसको निकाल दिया है ना, वो निकल करके मन मन में क्या सोच रहे हैं, बोले वाह जीवन में मैंने कभी इतने सुंदर रूप इतने सुंदर कीर्तन नृत्य में कभी नहीं देखा, मेरे कितने सौभाग्यवान, हाँ मैंने जो अपराध किया है उसका दंड मेरे को भोगना पड़ा, मेरे को जो अपराध किया महाप्रभु हमें दंड दिया। जब उन्होंने मन मन में ये सब बात किया है ना सोचा, लेकिन कहते ऐसे बुद्धि किसको हो सकता है, अगर जगत में कोई प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति हो बड़े सदाचारी संपन्न हो, कीर्तन देखते देखते उसको निकाल दिया, बाद में क्या होगा, बोलो बोलो मेरे को क्या समझते है, हम क्या कम है, हमारे अंदर में इतना गुण था इतने हम योग्यता है, हमको निकाल दिया हम भी दिखा देंगे, जैसे महाप्रभु गोपी गोपी करके जब रो रहे थे इतने में पड़ुआ लोग आए, बोले क्या गोपी गोपी कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण, बोले महाप्रभु ने क्या किया, दंड लेकर के बोले धूर्त का नाम कह रहे हो, काले धूर्त दंड लेकर मारने के लिए दौड़े, लेकिन पड़ुआ लोगों ने क्या बोले, बोले सची मैया का बेटा इतना दुस्साहस, हम उसको बोले कृष्ण कृष्ण बोलो अच्छा बोल रहे थे और हमको मारने के लिए दौड़ा, हम भी इसको देख लेंगे। महाप्रभु सोचे हे भगवान खाए लुपी पर लिखंड कफ निपारी थे उलट या आर कफ बाढ़िला कप के लिए पीपल पीपल खाते हैं, लेकिन ये कप तो उल्टा और बढ़ गया, मतलब क्या जगत में मैं क्यों आया, ये जीवों को कल्याण उधार करने के लिए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे, मेरे भाव को तो समझ नहीं, अभी मेरे को मारने के लिए तैयार कर रहे, तो इनके कल्याण कैसे होगा, इनका तो अमंगल होगा, भगवान को मारने के लिए अगर कोई बोले तो उनको नर्क भोग करना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु सोचे कि मैं सन्यासी लोग घर घर में जाऊं, क्योंकि सन्यासी धर्म ऐसे धर्म है ना, अगर बेटा भी सन्यासी लेता है पिता भी उसका चरण में प्रणाम करता है, अगर मेरे को सन्यासी मान करके सबके सब लोग जो प्रणाम करेंगे, मैं सन्यासी मैं भगवान हूँ, लेकिन सकृत प्रणाम कृष्ण से मातुस्तना विभेद नहीं,
अगर एक बार भगवान को कोई प्रणाम कर ले फिर कभी मातृ गर्भ में वो व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, इसलिए महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। इसलिए यहाँ पर कहते जिस समय उनकी हृदय में ये अनुताप हुआ, लेकिन उनका अंदर अभिमान नहीं है, मेरे क्यों ही निकाल दिए, लेकिन उनका अंदर दीन ही भाव, मैंने जैसे कुकर्म किया, छुप करके दर्शन के लिए कोशिश किया, महाप्रभु ने मेरे को दंड दिया, मन मन में उन्होंने ये भावना लाई। भगवान का सर्वोत्तर जब सब जानते हैं, इसकी भावना को महाप्रभु देख करके ना अंतर्यामी सूत्र में महाप्रभु बुलाए, बोले इसको बुला, क्योंकि अंदर अच्छी भावना आई ना, दुष्ट भावना नहीं आया, अच्छी भावना है, बोले उसको बुला। जब उसको बुलाए देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले डाकिया अनिला पुन करुणा सागर पाद पद्म दिल तार मस्तक ऊपर, महाप्रभु उसको बुलाया, बुला करके इनकी भावना को तीन इन भावना देख करके उसके अंदर में करुणा सागर महाप्रभु अपना श्री चरण को उसका सर के ऊपर रखे रख करके, तो महाप्रभु कहते बोले बेटा तपस्या को द्वारा मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल भक्ति को द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का कृपा प्राप्त करके बहुत रोए और अपना जीवन को बड़े धन्य धन्य उन्होंने किए हैं। इसलिए कहते अगर ये जो अध्याय है अगर इसको कोई श्रवण करेगा तो उसका श्रवण का फल क्या है, ये अध्याय श्रवण करने से इसका फल क्या है, बोले इसका फल है अगर इसको कोई श्रवण करे तो उसको चैतन्य महाप्रभु जरूर उसको मिलेंगे ही। श्रद्धा करे जय सुने ये सब रहस्य गौरव चंद्र प्रभु तारे मिलवे अवश्य, अगर ये अध्याय को कोई श्रद्धा पूर्वक सुने निश्चित रूप में महाप्रभु उनको प्राप्त होंगे। इसलिए ये ग्रंथ के पहले वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं, निरंतर पाठ पले बोलो कुबुद्धि जाए वे चले कृष्ण प्रेम लभी वे प्रमोद। अगर चैतन्य भागवत को अगर कोई पठन पाठन श्रवण करते है ना उसका फल क्या है, मतलब निरंतर अगर ये ग्रंथ को कोई पढ़ेगा तो उसका हृदय से कुबुद्धि चली जाएगी, एक दिन कृष्ण प्रेम उसको जरूर मिलेगा। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे सचमुच से जो चैतन्य भागवत अक्सर करके गौड़ी मठ में जाकर देखोगे चैतन्य भागवत पाठ होता है, देखो ना हर जगह पर भक्ति की महिमा, वैष्णव अपराध नहीं करनी चाहिए, प्रभु केवल भक्ति से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, कैसे भक्ति करनी चाहिए, किसको किसको भक्ति के द्वारा मिला, सब जगह पर भक्ति भक्ति भक्ति। सचमुच ये ग्रंथ पठन पाठन करने पर ना है हृदय जिसका पत्थर जैसे हृदय क्यों नहीं हो, अगर ये चैतन्य भागवत कथा कभी सुने उसका हृदय निर्मल हो जाता है। इसलिए अक्सर करके हमारे गौड़ी मठ में ये चैतन्य भागवत पाठ होते हैं, इसको सुनने से हृदय हमारी पत्थर जैसे हृदय भी हमारी द्रवीभूत हो जाएगी और महाप्रभु का चरण में हमारी प्रेम भक्ति मिलेगा। ठीक है, लबांचा गल्गुतर्भ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की। हाँ हरे कृष्ण, देखो मैं जो कथा करता हूँ ना, मैं बोले कल तुम लोग तुम जो दो तीन भक्त हैं जो थोड़ी कोशिश करना ये अध्याय का जो सार है दो चार पांच मिनट के अंदर में उसका सार को बोलने के लिए इसमें सार किया है, इसको ये अध्याय के द्वारा महाप्रभु ने किया, फिर तुम लोगों ने इस चीज को चिंतन करोगे, इस चीज को फिर दिमाग में चिंतन करोगे, जैसे रोज रोज गीता पढ़ते हो, गीता को बोलना पड़ता है ना, फिर तुम लोग सोच करके आते हो नहीं क्या बोलना पड़ेगा, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु का अगर चिंतन करोगे हृदय निर्मल होगा, हृदय में प्रभु की भक्ति आएगी। ये तो बहुत सरल है और गीता में तो बहुत कठिन शब्द भी याद करना पड़ता है, हरी याद बड़ा सरल है। ठीक है, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोलो Yeah.
Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai, Nitai, Nitai Gauranga. Jai Sai Sinankana, Jai Gaurahari. Jai Sachinandana Jai Gaurahari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bola Bola Hare Rama Hare Rama 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 Hari Hari Bola Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hari Hari Bola Hare Krishna Bola Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bola Hare Bola Hare 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 Rupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sita Ram Jai Jai Rupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sita Ram Jai Rupati Raghava Jai Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sita Ram Jai Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol 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 Gauru Bhrimanande Hari Hari Bol आज भगवान रामचंद्र का जन्म स्थान में मोती और जोगी क्या किया शिलान्यास किया है भगवान राम की मंदिर बनाने के लिए इसलिए कहते 500 साल बाद में उसे किसने बाबर ने तोड़ा था ना बाबर ने तोड़ा था ना उसने भगवान राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बना दिया था लेकिन 500 साल बाद में श्री मोदी है प्रधानमंत्री हम लोग बड़े भाग्यवान हैं भारत में ऐसे प्रधानमंत्री आया है और उत्तर प्रदेश का योगी मुख्यमंत्री हैं सब साधु है इस बार सब साधु साधु है इसलिए इन लोगों ने क्या किया अपना हाथों से शिलान्यास किया और मोदी ही ऐसे के व्यक्ति कैसे मंत्री में जाकर साष्टांग प्रणाम अभी तो कोई प्राइम मिनिस्टर कभी दिखाई नहीं पड़ा जाकर के साष्टांग जाकर के प्रणाम करे ठाकुर जी को कभी ऐसे कभी किसी ने देखा ही नहीं जाकर साष्टांग में
भगवान के मंदिर में लेट करके प्रणाम करे हैं, और वहाँ का धूल अपना शरीर पर लगाए, ठाकुर जी को प्रणाम करे। और वो जो लेक्चर दे रहा था ना राम का विषय, क्या लेक्चर, रामायण से प्यार को लेकर के, राम सेवा ही विश्राम जीवन में, अगर जीवन में राम सेवा नहीं हुआ तो हमारे विश्राम कहाँ है, राम सेवा के बगैर विश्राम कहाँ है। इसलिए बड़े सुंदर सुंदर हम राम रामायण के चौबाई, हमारे भारतीय संस्कृति, और जो राम का जो नाम है जो इंडोनेशिया कहते मुसलमान कंट्री में, और दूसरे दूसरे भारत का बाहर देश में भी कौन सा रामायण वो लोग भी पढ़ रहे हैं। हाँ, उन्होंने सब उदाहरण दिया है राम का नाम कैसे भारत का बाहर भी। और अभी मैंने सुना अमेरिका में राम का मूर्ति बना रहे हैं, अमेरिका में अलग अलग स्थान पर भगवान राम की मूर्ति को स्थापन करने के लिए। इसलिए 500 साल के बाद में हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसे एक, सब लोगों ने कोशिश तो किया है लेकिन कोई कर नहीं पाए है। लेकिन ये मोदी ने आकर के अपना हाथों से उन्होंने शिलान्यास किया है, अभी मंदिर बनेगा, जब मंदिर बनेगा ना सब सबके सब चले दर्शन करने के लिए अयोध्या में जाएंगे और वहाँ भागवत कथा करेंगे, भागवत कथा करेंगे और भगवान को दर्शन करके आएंगे। बोले श्री अयोध्या धाम की, बोले सियावर रामचंद्र की, भवन सुत हनुमान की, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, बोले श्री दशरथ महाराज की, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा की, समस्त भगवान रामचंद्र के भक्त वृंद की, निताई गौर भ्रमानंदे।